आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की जो वैकेंसी देख रहे हैं या फिर कहें कि आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी करने वाले जो भी कैंडिडेट हैं, उनको इंतजार है कि 2024 का जो शेड्यूल है वो कब तक जारी होगा साथियों। तो यहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है नर्सिंग असिस्टेंट की जो आने वाली वैकेंसी है 2024 में, उससे रिलेटेड पूरी जानकारी आपको दूंगा साथियों। कोई भी जानकारी दो उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार है फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो टारगेट फिजिकल एकेडमी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नर्सिंग असिस्टेंट भर्ती से रिलेटेड पल पल की अपडेट मिलती रहे। साथियों देखिए, एज तो यार छूट नहीं दी जाएगी, मैं ये नहीं कहता कि मैं मुहर लगा के दे दे रहा हूँ कि एज में छूट नहीं दी जाएगी, बट साथियों एज में छूट बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। 23 वर्ष आपकी एज है, हमको नहीं लगता इसमें कोई छूट दी जाएगी। 17.5 से जो 23 वर्ष की एज लिमिट है वही रहने वाली है। अगर आप ओवर एज हो गए हैं तो अब आपको क्या ही कहा जा सकता है, लेकिन 23 वर्ष के अगर आप अंतर आ रहे हैं तो निश्चित ही आप तैयारी करते रहिए भाई, बेधड़क तैयारी करते रहिए। और साथियों इस बार जो हर जोन की भर्ती हुई, चाहे वो जिस भी जेडारो की भर्ती हुई, मैं एक चीज यही नोटिस किया था कि जैसे एग्जाम तो काफी कैंडिडेट अच्छे अच्छे नंबर बना लिए। मैं डोगरा रेजिमेंट में साथियों लखनऊ जेडारो की भर्ती लगी हुई थी नर्सिंग असिस्टेंट, तो वहां पे मैं भी मौजूद था। मैंने देखा था कि उत्तराखंड के लड़के रनिंग नहीं निकाल पा रहे थे, तो बोल रहे थे कि समय बहुत कम दिया जा रहा है। स्टेट वाइज ही कॉम्पिटिशन होता है, जैसे आपके यहाँ भर्ती हो सकती थी वैसे ही यहाँ भी हुआ है। चाहे जहां भी जेडारो में भर्ती लगेगी स्टेट वाइज ही कॉम्पिटिशन रहेगा, ये जरूर रखिएगा। एआरओ वाइज भी कॉम्पिटिशन आपको देखने को मिलता है कि इस दिन इस एआरओ का लगेगा, आपके ही परिक्षेत्र के उसमें कैंडिडेट रहते हैं, अलग से कहीं से नहीं आते हैं। तो यार देखिए, रिटर्न एग्जाम की तैयारी में आपको मैं इतना रोकूंगा कि आप बहुत ज्यादा मेहनत मत करिए फिजिकल पे, लेकिन इतना तो बना के चलिए कि एग्जाम निकल जाने के बाद फिजिकल तो क्लियर हो जाए। नहीं क्या मतलब है आपका ये बताइए, बस शेड्यूल जारी हो जाए, बस जल्दी शेड्यूल जारी हो जाए। तैयारी है कि नहीं है नहीं पता, बस शेड्यूल जारी हो जाए, जबकि पता है कि हाँ हर वर्ष वैकेंसी आनी है। इस वर्ष की भी वैकेंसी का जो एग्जाम है अप्रैल में लगभग तय है कि होना है। अब वैकेंसी अभी नहीं आई तो इसका ही मतलब मत समझिएगा कि अप्रैल से ज्यादा एग्जाम आगे चले जाएगा। बिल्कुल भी जनवरी के अंदर आपके फॉर्म भरा लिया जाएगा, चाहे जिस भी जेडारो से आप आते हैं, अगर मेरी बात पे विश्वास है तो अभी से आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसी अब किसी भी समय जारी हो सकती है, सभी जेडारो की एक साथ जारी होगी। साथियों बिल्कुल भी परेशान मत होइए, एक दो दिन के अंतराल पर सभी जेडारो की वैकेंसियां आ जाती है, उसके बाद सबका ऑनलाइन आवेदन करा लिया जाता है, फिर एक एग्जाम डेट घोषित किया जाता है, सभी जेडारो का एग्जाम उसी दिन करवाया जाता है। तो अप्रैल में आपके एग्जाम संभावित है इस बार के, इसलिए तैयारी अच्छे से करते रहिए। वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी, जैसे ही आएगा कोई भी जानकारी आपको सबसे पहले जानकारी दी जाएगी। आशा करता हूँ दी गई जानकारी पसंद होगी, जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलता हूँ नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।